हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आंवले का मौसम शुरू हो गया है, तो आंवले की मज़ेदार मीठी खट्टी चटपटी और कई सारे फ्लेवर जैसे कि अनारदाना इमली और कोका कोला फ्लेवर की कैंडी बनाते हैं। ये टेस्ट में तो अच्छी है ही, हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है और इसको बिना शक्कर की चाशनी के बनाएंगे तो इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाकर आप आराम से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसमें आपको आंवले के सारे फायदे मिल जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जिस फूड में 6 रस होते हैं, 6 टेस्ट होते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है। आंवले में पहले से ही 5 टेस्ट यानी कि रस, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला होते ही हैं और अगर इसमें नमक का टेस्ट मिल जाए तो ये परफेक्ट फूड बन जाता है। दोस्तों, सितंबर महीने के आखिर से आंवला मार्केट में आसानी से बहुत सस्ते रेट पर ताज़ा आंवला मिलने लगता है, तो इसके लिए आधा किलो ताज़े आंवले खरीद लें। अब कैसे बनाएंगे कैंडी, उसकी शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 1 लीटर पानी लें, उसको खोलने दें और उसमें 2 चाय के चम्मच शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद जब पानी खोलने लगे तो इस बर्तन के ऊपर एक चावल छानने वाली छलनी रखें और इसमें ताज़े धुले हुए आंवले रख दें और इसको ढक दें 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के लिए स्टीम करने से आंवले अच्छे से खिल जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं और शक्कर डालने से आंवलों का रंगत रंग भी कलर भी ख़राब नहीं होता। अब इस जब ये आंवले ठंडे हो जाएं तो इन आंवलों को आप पीसेस में काट लें, क्योंकि इसमें आंवले में पहले से ही कलियां बनी होती हैं। अगर आपके आंवले छोटे साइज़ के हैं तो उसको पूरे पूरी 1 कली के बराबर रख लें और अगर आंवले बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 1 कली से 2 टुकड़े कर लें, या जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह की शेप की साइज़ की कैंडी चाहते हैं उस तरीके से काट लें। और आंवले की गुठली को फेंके नहीं, क्योंकि आंवले की गुठली भी बहुत सारे काम में आती है। इस तरह आंवले के टुकड़े हमने कर लिए, अब कैंडी बनाने के लिए उसका मसाला तैयार करते हैं। अनारदाना की कैंडी बनाने के लिए हम डाबर के हाजमोला की अनारदाना कैंडी लेंगे। ये मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है, 1 सैशे में 4 टैबलेट होती हैं। इनका टोटल वज़न 20 ग्राम होता है। इस तरह हम 20 सैशे लेंगे और 40 ग्राम पाउडर बना लेंगे। इसमें अम्लवेतस, ज़ीरा, काला नमक, नींबू, सत्त और थोड़ी सी शक्कर भी पड़ी होती है। ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, भूख बढ़ाता है, हाजमा अच्छा करता है। इस तरह हमने अनारदाना कैंडी लेकर उसका पाउडर बना लिया। अगर आपको और किसी फ्लेवर की जैसे कि कोका कोला या इमली फ्लेवर की कैंडी बनाना हो तो इसके सैशे भी मिलते हैं डाबर हाजमोला के, आप अनारदाना की जगह वो ले सकते हैं। अब इसमें हम 2 चाय के चम्मच अपने किचन में मौजूद गर्म मसाला मिलाएंगे। इस तरह हमारा कैंडी बनाने का पाउडर तैयार हो जाएगा। 40 ग्राम पाउडर हमने अनारदाना की कैंडी ले ली, या फिर हम कोका कोला या इमली हाजमोला कोई भी फ्लेवर लेकर के उसके हिसाब से बना सकते हैं। उसमें 2 चाय के चम्मच काला गर्म मसाला मिलाते हैं और इन आंवले के टुकड़ों पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालते हैं और उसको मिक्स करते जाते हैं, जिससे आंवले के सारे टुकड़ों पर हमारा कैंडी का मसाला अच्छे से लग जाए। जब मसाला अच्छे से लग जाए तो इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए ढककर रख दें, जिससे सारा का सारा मसाला आंवलों के टुकड़ों पर आ जाए। अब इन आंवलों को लेकर एक किसी खुली बड़ी ट्रे में दूर दूर तक फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो ये 2 से 3 दिन में सूखकर कैंडी अच्छे से बन जाती है। देख रहे हैं इस पर कितने अच्छे से इसका पाउडर कोट हो गया है, हमारे कैंडी का पाउडर कोट हो गया है। अगर धूप अच्छी नहीं आती है तो 3 से 4 दिन में कैंडी तैयार हो जाएगी। ये कैंडी बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, डाइजेशन के लिए अच्छी है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, तो इसको आप ज़रूर बनाएं। बहुत आसानी से बहुत कम लागत में बन जाती है, 40-50 रुपये में अच्छी खासी कैंडी बन जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।